अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सब दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को ईद मुबारक। इसके बाद ये जो व्लॉग बनने जा रहा है, ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही मुख्तसर होने वाला है। कुछ घर में ओकेजन था ईद की मुनासबत से, तो हमने सोचा बहादराबाद पे, बहुत तारीफ सुनी है अल हरमैन की कढ़ाई, पनीर हांडी, पता नहीं क्या क्या है, जाके हम देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें यार, लाइक करें, कुछ सपोर्ट करें यार। वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट और लाइक का बटन लाजमी दबाएं। थैंक यू वेरी मच भाइयों। ये हमारे साथ प्रैंक कह लें, कुछ कह लें, ये तो ईद की मुनासबत से ये बंद हो चुका है। यहाँ पे सन्नाटा छा रहा है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। ओके, इन्होंने ये लिखा है कि ईद के पहले दिन और सेकेंड डे क्लोज रहेगा। चले फिर कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ भाइयों, फिर हम जो है वहाँ अल हरमैन तो बंद था, तो फिर हम मीराल आ गए हैं। और मीराल पे जो है हमने हांडी का ऑर्डर किया, आपको दिखाएंगे हांडी कैसे बनती है। एक हमने जो है इनकी हांडी जो ऑर्डर की है वो कबाब हांडी है, और दूसरी जो है वो है पनीर रेशमी हांडी। तो आए देखते हैं। अच्छा, हमने जो ऑर्डर किया था कबाबी हांडी का, कबाबी हांडी की ये कबाब है ना, ये कबाबी हांडी। अच्छा, ये किस चीज़ की, चिकन की है? अच्छा, लेकिन ये हमने चिकन का ऑर्डर किया। अच्छा, ये अब हांडी में चली जाएगी ये कबाब। ओके ठीक है, चले देखते हैं फिर। बाकी ये सब बारबेक्यू ये रेडी कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, जिनका मैं पहले एक रिव्यू डाल चुका हूँ मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। अब कबाबी हांडी और पनीर रेशमी हांडी के आगे क्या होता है आपको दिखाते हैं। मीराल पे हांडी का एक्सपीरियंस, या ये कढ़ाई में जो हांडी बनाते हैं इसका एक्सपीरियंस बेहतरीन रहा, बहुत अच्छा टेस्ट था। ये छोटी सी व्लॉग थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों से शेयर करें और अपने हाथों से लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।